Hello everyone, welcome back in civil information. Today we are going to learn about allowable stress. जैसा कि हम लोगों ने previous video में बात करी थी और factor of safety की भी हम लोगों ने बात करी थी, तो हम लोग उसको आज थोड़ा definition के माध्यम से और technical term में क्या होते हैं इसको देखने वाले हैं. Definition अगर हम allowable stress की लिखें तो the ability of structure to resist loading is called strength. तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेंथ को देखा. The ability of structure to resist loading is called strength. For safety material, अब सेफ्टी के पर्पज से देखते हैं. फॉर सेफ्टी मटेरियल शुड हैव मच हायर स्ट्रेंथ. Then the strength required for external loading. जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी, तो द एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर टू रजिस्ट लोडिंग इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के पर्पज से हम लोगों ने क्या देखा है, मटेरियल शुड हैव मच हायर स्ट्रेंथ देन द रिक्वायर्ड फॉर ए एक्सटर्नल लोडिंग. तो किसी भी एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जितना भी स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसका अमाउंट कम ही होना चाहिए मटेरियल की एक्चुअल स्ट्रेंथ से. ये लाइन ये बोल रही है, मटेरियल शुड हैव मच हायर स्ट्रेंथ देन द रिक्वायर फॉर ए एक्सटर्नल लोडिंग. द रेशियो ऑफ एक्चुअल स्ट्रेंथ टू द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी. तो चाहे इस चीज़ को भी लिख लीजिए आप, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारा इसको एन से डिनोट करते हैं. तो जिस फेल्योर स्ट्रेस, जब हमारा मटेरियल फेल कर जाए उसके जस्ट पहले जो भी स्ट्रेस होता है वो, प्लस जो भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर पे लोडिंग लगाई, कोई भी लोडिंग लगाई तो उसकी वजह से जो भी स्ट्रेस उसमें जनरेट हुआ उसको बोल दिया वर्किंग स्ट्रेस. तो उन दोनों के रेशियो हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोला. आप इसको फॉर्मूले के और डेफिनेशन के माध्यम से ना समझ के इसको समझने की कोशिश करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ जाएगा. स्ट्रक्चर फेल कर रहा है तो जैसे कि अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ. ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया. द रेशियो ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ टू द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको हम लोगों ने आंसर नोट करा हुआ है. तो अब देखिए इसको हम लोग अगर समझते हैं तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने माइल्ड स्ट्रेंथ के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ आई थी माइल्ड स्ट्रेंथ की, यील्ड स्ट्रेंथ एफ वाई, वो हम लोगों ने 250 मेगा पास्कल यहाँ पे कैलकुलेट करी थी यील्ड स्ट्रेंथ, यील्डिंग जोन जिसके बाद चालू हो गया था. तो यील्ड स्ट्रेंथ यानी मैक्सिमम ये इतनी कैपेसिटी बियर कर सकता है. फिर हमने एक वही माइल्ड स्ट्रेंथ लेकर एक कॉलम का न्यूमेरिकल मान लीजिए सॉल्व किया था अभी इसके पिछले वीडियो में, जहाँ पे P1 P2 इस तरीके से लोड लगाए गए थे. तो इसकी कैपेसिटी जो हमने निकाली, मान लीजिए सपोज दैट इसकी कैपेसिटी इस लोडिंग की वजह से, ये लोडिंग कितनी भी हो सकती है, मान लीजिए 200 किलो न्यूटन का लोड है, 100 किलो न्यूटन का लोड मैंने मान लिया या 180 किलो न्यूटन का लोड मान लिया, इसकी वजह से ये जो मटेरियल है मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट हुआ वो मान लीजिए स्ट्रेस हो गया मेरा कितना सिग्मा,
वो स्ट्रेस हमारा 250 एमपीए ये मैक्सिमम बियर कर सकता था, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेस हमारा आ गया मान लीजिए 50 मेगापास्कल या 150 मेगापास्कल आ गया, 150 मेगापास्कल। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब निकालेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कह रहा है कि फेल्योर स्ट्रेस, मतलब जहाँ पे फेल कर गया, मतलब ये 250 वाले को आपको ऊपर ले लेना है, और इस लोडिंग की वजह से इसमें कितना वर्किंग स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ है, 150 मेगापास्कल। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1.6 के समथिंग आएगी, 1.6 या 1.7। तो ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको न्यूमेरिकल में यही वैल्यू आपको डायरेक्ट दे देगा, कभी कभी ये बोल देगा आपको 2 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है। तो ये स्ट्रेंथ आपको पता है क्योंकि प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू इस लोडिंग के लिए कितना होगा, तो मान लीजिए एक्स होगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 250 by 2 125 मेगापास्कल। यानी कि ये मेरा फिर कितना आ गया, 125 मेगापास्कल आ गया। 125 मेगापास्कल आ गया तो हमको यहाँ पे लोडिंग पूछ लेगा कितनी है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमको घुमा के पूछेगा, कभी ये चीज़ देगा, कभी ये पूछेगा, कभी ये होगा। तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही कभी कभी पूछ लेगा। तो यहाँ पे ये मेरा आ गया। तो देखिए अब स्ट्रेस की, अब यहाँ से पी वन हमको निकालना है इस तरीके से। तो स्ट्रेस इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी अपॉन ए होता है, और यही पी हमारा पी वन हमें निकालना है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में, जब इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना आ रहा था, 1110 mm² ये आ रहा था क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हम इसी के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिग्मा की जगह पे हम लोग 125 मेगापास्कल और पी वन यहाँ पे रख सकते हैं, और पी वन कैलकुलेट करना है एरिया 110 mm². अब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वन हमारा कितना हो गया, 125 × 110। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 138750 ये हमारा आ रहा न्यूटन। तो इसमें यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दें तो ये हमारा किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, किलो न्यूटन फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया गया था। तो किलो न्यूटन यानी कि ये जो लोडिंग हमारी आ रही कितनी आ गई, 138.75 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो इस तरीके से हमसे कुछ भी पूछ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब हम इसमें देखने वाले अलाउबल स्ट्रेस। तो अलाउबल स्ट्रेस को देखिए क्या होता है अलाउबल स्ट्रेस। अब यही सारी चीज़ें ये आपको भी पता होगा, अलाउबल स्ट्रेस हमारा क्या था, वर्किंग स्ट्रेस जहाँ पे है वही चीज़ हमारा अलाउ, मतलब कोई स्ट्रक्चर अलाउ कितना कर रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे देगा, अगर मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे दिया है तो देखिए अलाउबल सिग्मा अलाउबल अलाउबल स्ट्रेस। अगर डक्टाइल मटेरियल है हमारा, हमारा डक्टाइल मटेरियल है तो यील्ड स्ट्रेस लेंगे, यील्ड स्ट्रेस उसकी जो मैक्सिमम होगी जितनी भी, यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो हमें अलाउबल स्ट्रेस मिल जाएगा। ये किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल के लिए। वही जो फेलियर स्ट्रेस बोल रहे थे उसी, वही हमारा यील्ड स्ट्रेस उसी के जस्ट पहले यील्ड स्ट्रेस कहलाता है वो। और यहाँ पर सिग्मा अलाउबल डक्टाइल ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल में यील्डिंग नहीं होती, उसमें अल्टीमेट स्ट्रेस, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट जाके टूट जाता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस उसको बोलते हैं, उसको यील्ड ना बोल के। फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसमें भी डिवाइड करेंगे, ये हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए हो गया, ये ब्रिटल मटेरियल के लिए ये हमारे दो फार्मूले बन गए, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में ये यील्डिंग होती है और इसमें हमारा मटेरियल डायरेक्ट टूट जाता है। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे। डक्टाइल में क्या होता है, आई थिंक सो आप जानते भी होगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और के लिए बता देता हूँ, इसको रफ करना होगा। अब देखिए डक्टाइल को जो मैं बता रहा हूँ, डक्टाइल बेसिकली उस मटेरियल वो होते हैं जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि एक तरीके से आप, मैं ये बताऊँ, एक तरीके से अगर बॉक्स है, मैं इसको अगर खींचूँ तो इस तरीके से, अगर मैं खींचूं तो ये इस तरीके से होता जाएगा, बीच में पतला होता जाएगा। फिर मैं इसको और अगर खींचूं
तो ये एक टाइम के बाद ये बिल्कुल कप एंड कोन टाइप में जाके इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे ऐसे पतला हो रहा है, यानी कि इलास्टिक नेचर इसमें शो कर रहा है, और इसको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। लेकिन अगर इसी जगह अगर मैं कांच की, अगर ये रॉड ले लूँ कांच की रॉड, अगर मैं इसको अगर डायरेक्ट अगर मैं खींचूंगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर जाएगा इस तरीके से, ये डायरेक्ट इस तरीके से ब्रेक कर जाएगा यहाँ से। तो ये ब्रिटल मटेरियल हमारा कहलाता है। तो जब इसकी आप डिफिनेशन वगैरह देखोगे तो बेसिकली आपको पता होगा। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं कि क्या होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी में एक टर्म आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एयरक्राफ्ट डिजाइन, जहाँ पे भी एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग जब हम करते हैं, तो एयरक्राफ्ट की जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेजरली फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना लेके एक टर्म का यूज करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वहाँ पे लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ ये चाहे आप स्टेटमेंट लिख भी लीजिए, द एयरक्राफ्ट डिजाइन जनरली जनरली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर रेदर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो हमारा किस तरीके से डिफाइन करा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एन से डिनोट करा था हमने, आप लिख भी सकते हो, या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी -1 जो होती है ये इसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है, यानी -N। यानी अगर किसी भी जनरल डिजाइनिंग के लिए अगर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मान लीजिए 5 लिया था, तो वहाँ पे हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी, 5 -1 4। तो इस तरीके से -N, ये एक छोटा सा, कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने आज देखा अलाउबल स्ट्रेस हमारे क्या होते हैं, इसके बिहाफ में हम न्यूमेरिकल भी अभी टाइम है इसको लगा सकते हैं, एक न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं जल्दी से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लिख दिया है, इसको आप वीडियो पुश करके नोट भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको भी रब करके यहाँ सॉल्व करूंगा। अब मैं ये न्यूमेरिकल को समझाता हूँ क्या है। देखिए ए शॉर्ट हॉलो सर्कुलर कास्ट आयरन का हमको एक शॉर्ट हॉलो सर्कुलर सिलेंडर बनाना है। देखिए अब ध्यान से क्वेश्चन समझिए, ए शॉर्ट हॉलो सर्कुलर कास्ट आयरन सिलेंडर सपोर्ट एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जो कितना हमें कंप्रेसिव लोड उस पर देना है, 50 kN का हमको कंप्रेसिव लोड उस पर देना है, द अल्टीमेट स्ट्रेस इन कंप्रेशन फॉर मटेरियल। और ये जो हमने लिया है ध्यान से देखिएगा, ये द अल्टीमेट स्ट्रेस इन कंप्रेशन फॉर मटेरियल इज σU। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको दिया गया, द अल्टीमेट स्ट्रेस इन कंप्रेशन फॉर मटेरियल 280 Nm/mm², उसमें स्ट्रेंथ उसकी दी गई। इट इज डिसाइडेड टू डिजाइन द सिलेंडर विथ ए वॉल ऑफ थिकनेस 5 mm, 5 mm की थिकनेस के साथ हमको लेना है, जिसमें हमने कहा है एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 टाइम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, यानी यानी कि उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको हम 3 गुना ज़्यादा अधिक गुणवत्ता के साथ हम इसको डिजाइन करेंगे, रिस्पेक्ट टू द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में। कंप्यूट द मिनिमम रिक्वायर्ड आउटसाइड डायमीटर फॉर सिलेंडर, डायमीटर हम कितना रखें वो ये पूछ रहा है। तो देखिए ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये आपको एक कागज की शीट दिखाई, ये मेरी क्या है, ये मेरी कास्ट आयरन की एक शीट है जिसकी थिकनेस कितनी है 5 mm, 5 mm थिकनेस की ये मेरी शीट है। ये न्यूमेरिकल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 5 mm का है। अब मुझको इससे एक सिलेंडर तैयार करना है इस तरीके से, हॉलो सर्कुलर कास्ट आयरन का, ये कास्ट आयरन का मटेरियल का है जिसकी थिकनेस है 5 mm है। अब इससे मुझको एक इस तरीके से एक सिलेंडर एक क्रिएट सिलेंडर एक तैयार करना है, जो इस पर लोडिंग कितनी ले सके, इस पर मैं लोडिंग फिर लगाऊंगा, लोडिंग मैं इस पर लगाऊंगा, इस पर देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पे लोडिंग लगाऊंगा, लोडिंग, तो लोडिंग मेरी इस पूरे जो ये देखने से 5 mm इस पर आएगी, और बियर कितने कराना है 50 kN, और हमें इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी मेंटेन करनी है, 3 करनी है। तो उसके लिए इसका डायामीटर कितना हो, ये कितना डायमीटर रखा जाए, कंप्यूट द मिनिमम रिक्वायर्ड आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ये चीज़ हमको बतानी है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अब इस क्वेश्चन को आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं इस क्वेश्चन को रफ करके फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए ये मुझे बनाना है, एक कास्ट आयरन का है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, थिन, और इसकी थिकनेस कितनी रखनी है हमको 5 mm, 5 mm, और इस पर लोड हमको कितना लगा के रखना है, 50 kN का मैं लोड लगाऊंगा, और इसका डायमीटर जो भी है, तो इसका इंटरनल डायमीटर वही मुझको कैलकुलेट करना है कि इसको कितना रखना चाहिए हमको। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं,
तो इसमें देखिए, इस जो ये मेटल है, मेटल है मेरा कास्ट आयरन बोल दिया उसने, कास्ट आयरन का मैंने बताया था, कास्ट आयरन जो होता है वो एक हमारा ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल की हमेशा अल्टीमेट स्ट्रेस निकालते हैं, ना कि यील्ड स्ट्रेस। तो अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी दी गई है, 280 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 280 इसको कर लीजिएगा, सिग्मा यू हमारा 280 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है। अब उसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको कितनी मेंटेन करनी, 3। तो हम यहाँ से अलाउबल स्ट्रेस सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सिग्मा अलाउबल मतलब हमारा 280/3, यही तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था। तो देखिए यहाँ से जब मैंने डिवाइड करा तो ये मेरा कितना आ गया, 93.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी कि अब हमें इस लोडिंग की वजह से 93, इस लोडिंग की वजह से, इस पी की वजह से हमको इसी स्ट्रेस के अंदर रहना है। अब तो हमको ये काम करना है। अब स्ट्रेस हम जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस 93.33। अब इस लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो हमारा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सिग्मा अलाउबल से। तो सिग्मा अलाउबल बराबर ये वाला लोड ले लिया, पी अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पे लोडिंग ये लग रही है, तो यानी कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि यही लोड को बियर करेंगे, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ वो ये हो गया हमारा। तो सिग्मा अलाउबल की जगह हम लोग रखें 93.33, पी हमारा कितना है 50, न्यूटन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 10^3 न्यूटन अपॉन एरिया। यहाँ से एरिया हमने कैलकुलेट करा, एरिया हमारा रहा 535.71 mm², यानी इस क्रॉस सेक्शन का एरिया मेरा ये आया। अब इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ये आया, इसकी थिकनेस हमको पता है, थिकनेस हमने 5 mm है, तो हमको डायमीटर बताना है, डायमीटर इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हॉलो, इस तरीके से हॉलो सर्कुलर जब हमारा होता है, दो थिकनेस होती हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया का, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये मेंसुरेशन का पार्ट है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में हमने ये मान लिया ये डी है डायमीटर, ये पूरा टोटल डी है, ये थिकनेस जो 5 mm दी गई ये टी मान ली, तो ये भी सेम होगी, टी होगी। तो अब देखिए इस पूरे वाले सर्किल में से, यानी पाई बाई फोर डी स्क्वायर में से अगर मैं माइनस कर दूं, ध्यान से देखिए, पाई और ये वाला एरिया अगर माइनस कर दूं, ये अंदर वाला एरिया, तो अंदर वाला एरिया के लिए देखिए टोटल मेरा डी है, अब यहाँ से टी और यहाँ से टी, तो 2t, अगर मैं डी में से अगर 2t अगर माइनस कर दूं, तो इसको ये डायमीटर बचेगा मिलेगा, तो ये मेरा हो गया डी माइनस 2t, ये डायमीटर हो गया। अगर इसको अगर मैं माइनस कर दूं पूरे में से, तो इसको जो रिमेनिंग बचेगा वो इसका एरिया मिल जाएगा, तो वही मैं यहाँ करने वाला हूँ, डी माइनस 2t का होल स्क्वायर बाई, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए डी माइनस 2t है, जब इसको हम खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, तो यहाँ से हमको एक टर्म यही वाला मिलेगा पाई बाई 4d² का, वो उससे कट जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगी पाई टी डी माइनस टी, ये वैल्यू हमको मिलेगी। और यहाँ पे एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एरिया हमको मिला है 535.71, और यहाँ पे पाई, पाई हमको नोन होता है 22/7, वैल्यू हम ले सकते हैं, या फिर आप अगर कैलसी से कैलकुलेट करें तो डायरेक्ट पाई की वैल्यू लिखिए, यहाँ पे हमने 5 लिखा और डी माइनस 5, क्योंकि थिकनेस हमको 5 mm दी गई है। तो जब हम यहाँ से डी कैलकुलेट करेंगे इस जगह से, तो डी हमको यहाँ से डायरेक्ट डी हम आप ये कैलकुलेट कर लीजिए 39.10 mm मिलेगा ये आपको। तो यहाँ से हम लोगों ने डी को कैलकुलेट कर लिया, यानी ये हमारी डायमीटर 39.10 mm का हमें डायमीटर लेना पड़ेगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इजीली।